कांग्रेस अध्यक्ष ने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की महिला इकाई को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन लगातार महिला कार्यकर्ताओं के बीच बैठकें कर रही है और प्रदेश इकाई को अधिक सशक्त और सक्रिय कैसे बनाया जाए इसके लिए विभिन्न समूह की महिलाओं के साथ चर्चा कर रणनीति बना रही हैं। अमृता धवन ने बातचीत के दौरान बताया कि दिसंबर महीने तक वे महिला कांग्रेस में फेरबदल कर सकती हैं। माना जा रहा है कि कई नए चेहरों को इस बार जिम्मेदारी मिल सकती है। उनका कहना यह है कि चयन की प्रक्रिया नवंबर महीने के शुरुआत में ही शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद फेरबदल किया जाएगा। अमृता ने कहा कि पार्टी का आलाकमान युवा चेहरों पर इस बार अधिक भरोसा कर रही है। बता दें, ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर की महिला इकाई को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन लगातार महिला कार्यकर्ताओं के बीच बैठकें कर रही हैं और प्रदेश इकाई को अधिक सशक्त और सक्रिय कैसे बनाया जाए इस पर चर्चाएं कर रही हैं। वही चर्चा कर रणनीति बना रही हैं। बता दें कि माना जा रहा है कि कई नए चेहरों को इस बार जिम्मेदारी मिल सकती है। अमृता ने कहा कि पार्टी का आलाकमान युवा चेहरों पर इस बार अधिक भरोसा कर रही है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।